आज के ब्लॉग में मैं आगे दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या तैयारी कर रही हूँ जाने के लिए। क्या हाल चाल है आप सभी के, कमेंट में जरूर बताइएगा। कल का जो वीडियो मैंने खत्म किया ना, वहीं से एक वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। दोपहर के बजने वाले हैं 12 बज के हो रहे 15 मिनट। तो फेसबुक पे बहुत सारा प्यार देने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया मुझे, फेसबुक पे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो अभी मैं 12 बज के 15-20 मिनट पे ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं एक रेसिपी, अपना छोटा सा एक सब्जी का रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। कई लोग बोल रहे थे कि एक बार रेसिपी बता दो यूट्यूब पे मेरे, खासकर फेसबुक पे नहीं, फेसबुक पे उतने कमेंट नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में अपना हालचाल बता दो, क्योंकि मैं हर वीडियो में पूछती हूँ कि आप लोग के हालचाल क्या है क्या है क्या है, बट आप लोग बताते नहीं है। तो हालचाल कमेंट में बता दिया करिए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा बर्थडे आने वाला है, तो कुछ स्पेशल होने वाला है। ब्लॉग को पूरा देखिएगा, रोज मैं ब्लॉग अपलोड करती हूँ। तो लोग जो लोग नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक पे मेरा ब्लॉग डेली आता है। तो आज जो है ना, दोपहर से इसलिए ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि शाम को मुझे मार्केट जाना है, और जो मैंने ब्लॉग्स थोड़े शूट करके रखे हैं उसको कंटिन्यू करूंगी। तो आगे शेयर करूंगी क्या क्या हो रहा है ब्लॉग में, और मुझे जाना है अपने दूसरे वाले गांव। आप लोग सोचो कि दो गांव क्यों, तो एक मेरी दादी का मायका है, एक मेरी दादी का ससुराल है। तो दादी अभी मायके में है, जो कि उनके भाई नहीं थे ना, तो वहाँ की जो प्रॉपर्टी थी वो दादी को मिली है। तो वहाँ पे एक पूजा रखा गया है, छोटी बेबी जो हुई थी मेरी बुआ की नतिनी, तो उसके लिए एक पूजा रखा गया। तो पूजा अभी होगा कल सुबह, तो आज मैं जाऊंगी उस छोटी बेबी के लिए कुछ कुछ लेने। पता नहीं क्या क्या लूंगी, पता नहीं, छोटी बेबी का मैंने कुछ भी कभी भी नहीं खरीदा है लाइफ में, तो जो भी होगा अच्छा मिलेगा लूंगी उसके लिए। और कल सुबह जाएंगे पूजा में, तो वो ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, और जो भी होता है आगे देखिए, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो जरा से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे ना पापा ने पूरा कोड़ाई कर दिया था और बो दिया था हम लोगों ने पालक धनिया और सोए का पौधा, मतलब पौधा नहीं बोया था, बीज बो दिया था। तो यहाँ पे ना जो एक क्यारियाँ बनी हुई थी, इसके जो ऊंचे वाले पार्ट हैं, जैसे इसको क्या बोलते हैं मेढ़ी, तो इस पे ना पापा बोल के गए थे कि यहाँ पे मूली तुम गाड़ देना। तो मूली का बीज हमने भिगो के रखा था, मूली का बीज गाड़ा है, देन उसके बाद से नहाया धोया, वीडियो स्टार्ट किया, और उसके बाद आई किचन में बना ली लंच। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ अपनी फेवरेट में से एक सब्जी, जिसकी रेसिपी मैं आगे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ बना रही हूँ मैं केले और आलू की सब्जी, जो मैं बनाती हूँ जिस तरीके से वो मैं शेयर कर रही हूँ। पता नहीं लोग कैसे कैसे किस तरीके से बनाते हैं, बट मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे तेल ली थी, तेल को एकदम प्रॉपर हीट करना है, देन उसके बाद से इसमें ऐड करना है हमको केले, और केले जब तक सुनहरे लाल ना हो जाए ना, ऐसे गोल्डन टाइप के, तो तब तक इसको ना फ्राई करना है। फ्राई करके हमको केले को निकाल देना है, और इसमें ऐड करेंगे हम 2 आलू मीडियम साइज़ के। आप जैसे क्वान्टिटी लेते हैं उस हिसाब से लीजिएगा, हमें कम बनाना था तो हमने ये आलू 2 ही लिया था। इसको कट किया था, फिर केला जो हमने फ्राई किया था ना उसी तेल में इसको भी ऐड करके हमने गोल्डन होने तक इसको भी फ्राई कर लिया, भून लिया। तो यहाँ पे आलू भी हमारे फ्राई हो गए थे, इसको निकाल देंगे केले के साथ ही। और मसाला हमने तैयार किया था सिलबट्टे पे, जो कि था जीरा, धनिया, मिर्चा, लहसुन और प्याज, और उसमें था गरम मसाला, थोड़ा सा था राई दाना, क्योंकि टेस्ट बहुत इन्हेंस करता है राई वाला मसाला, तो थोड़ा सा हमने राई ऐड किया था। एंड इसके बाद मसाला डाल के बहुत कम मिनिमम तेल जो बचा था ना उसमें डाल के, और टमाटर डाल के इसको अच्छे से गला लिया था, थोड़ा सा पानी डाला था, नमक ऐड कर दिया था। और इसको मसाले को भुनने का सबसे ज़्यादा महत्व है इस सब्ज़ी में, हमारी सब्ज़ियाँ ऑलमोस्ट फ्राई थी तो मसाला जब भुन गया तो इसको इसमें ऐड की और अच्छे से चला लिया। खूब अच्छे से चला के 2 मिनट मैंने और भुना इसको, और गरम मसाला आप ऊपर से भी डाल सकते हो, बट मैंने सिलबट्टे पे पीसा तो उस मसाले के साथ ही पीस दिया था। वैसे भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, बाद में मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मन हो रहा है खाने का। यहाँ पानी जितना चाहिए था उतना ऐड किया और खाया पिया, आराम किया, फिर शाम को वीडियो कंटिन्यू किया। शाम के बज गए हैं 5:40 और अभी को मैं जा रही हूँ छोटी बेबी के लिए कपड़े लेने। तो भाई गए थे देवरिया, वहाँ से रिटर्न आए हैं तब जाके मुझे लेके जा रहे हैं, अभी को आए हैं। तो जाते ही फटाफट से कपड़े लेते हैं, फिर आते दिखाते हैं आप। यहाँ पे ना शाम को हम लोग गए थे क्योंकि भाई सब चले गए थे देवरिया, अभी जैसे कि मैंने बताया है, आए तो लेट हो गया, तो फिर शाम को हम गए चौराहे पे लेने के लिए छोटी बेबी का कपड़ा। तो मम्मी से मैंने पूछा कि क्या ले, तो मम्मी बोली कि सब कुछ तो छोटी बेबी है 1 महीने की हो गई तो सब चीज़ तो लोगों ने खरीदा ही होगा, आप बस कपड़ा ही खरीद लो। तो कपड़ा मैंने लिया स्काई ब्लू कलर का, और यहाँ पर ना
ये कलर मुझे बड़ा अच्छा लगा था, और भी कलर थे बट मुझे उतना पसंद नहीं आ रहे थे, तो मैंने ये कलर लिया उलेन था। और मेरे चौराहे का सबसे अच्छा भुजा मुझे बहुत पसंद है, ये ड्राई मसालों के साथ भैया बना के देते हैं एक ठेले पे, जो कि मैं जब भी जाती हूँ तो उनको खोज के मैं ये भुजा खरीदती हूँ, और मुझे ये भुजा मिल जाए ना फिर खाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मुझे इतना पसंद है। यहाँ पे खाई मज़े से बैठ के पहले, और उसके बाद से ना भाई के नखड़े हो गए चालू, इन्होंने ना अपनी रजाई निकाल ली है 15-20 दिन पहले से, क्योंकि मेरे परिवार में सबसे ज़्यादा ठंडी जिसे लगती है वो है पवन जी, पवन जी को बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगती है, तो यहाँ पे रजाई निकाली थी, और रजाई में बैठ के बोल रहे थे कि नहीं मैं नहीं बिस्तर लगवा पाऊँगा, मुझे बहुत ठंडी लग रही है, बहुत ठंडी लग रही है। तो यहाँ दुल्हन बने हुए थे, मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड करती हूँ, इतना दुलार प्यार दिया मैंने इसको, और मेरे सभी भाइयों में सबसे सुंदर मेरा भाई ये है, बड़ा वाला भी मेरा सुंदर है बट इसको ज़्यादा पता नहीं क्यों इसके तरफ वो रहता है प्यार दुलार, तो यहाँ पे ये उठ ही नहीं रहे थे, फिर इनको प्यार दुलार करके हम चले बिस्तर लगा देने, और इनको ना जब भी बोल रही थी तो ये दुल्हन बन जा रहे थे। चलिए दुल्हन देखिए झा। तो ये छोटा प्यारा सा ब्लॉग था, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो करके अपना कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं ना प्यार से ब्लॉग के साथ।